So let's talk about 11 October news. So we'll cover the important articles from this. So ध्रुव स्कीम जो है, ध्रुव प्रोग्राम, ये एक्चुअली इसरो द्वारा चलाया जा रहा है. 14 डेज के लिए चलाया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए. बेंगलोर में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा. और ध्रुव एक पोल स्टार होता है हमारा, स्टूडेंट्स को जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप भविष्य में अच्छा करें, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट है पोषण अभियान, जिसकी अपन बात करते हैं. पोषण एटलस बनाया जाएगा. पोषण अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड बिलिंडा गेट्स के द्वारा, एटलस में पता चलेगा अपने कि भारत के अंदर लोकल एरिया में कहाँ क्या कमी है. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. माल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसको तीन तरीके हो सकते हैं फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए. नेक्स्ट चलते हैं अपने इसमें. नेशनल डायबिटीज़ की अपन बात करें तो इसको लेकर के कंसर्न जताया गया है अभी. सो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर. नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जैसे सुमन स्कीम कहा गया है. इसमें जो वुमेंस वगैरह हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट की बात की गई है. चेकअप अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो है उसमें इसको लिया गया है, ताकि जो जो एलिजिबिलिटी इसमें ये होगी कि आपकी कोई प्रेग्नेंट वुमन है या न्यू बॉर्न है या 6 मंथ्स जिनको हो चुके हैं डिलीवरी के बाद, दोज विल बी कवर्ड इन दिस स्कीम. उन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है दिया जाएगा. दीज आर द फीचर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमन परस्पेक्टिव. MMR और IMR कितनी है यू शुड नो, 130 एंड 34. सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो मूव टू द नेक्स्ट वन. हिंदू खुश हिमालयन रीजन की हम बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे रिवर है, बायोडायवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदू रीजन को अपन ये थर्ड पोल नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास सबसे ज़्यादा बर्फ जो है यहीं पाई जाती है. सो दैट्स वाई क्रायोस्फीयर एक कीवर्ड है, जिसका मतलब होता है बर्फ, क्या बर्फीला एरिया, आपको ध्यान में होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन वॉल. ग्रीन वॉल की अपन बात करते हैं तो जैसा कि अपन को पता है यूनाइटेड नेशन का एक डेजर्टिफिकेशन के लिए प्रोग्राम भी है. तो इंडिया क्या है, गुजरात से दिल्ली तक एक ऐसी बेल्ट बनाना चाहता है, जिससे क्या है कि जो डेजर्ट है वो वेस्ट से यहाँ ना फैले आगे. तो इसरो ने भी बताया है कि जो जो डेजर्ट है वो एक्चुअली इस एरिया से ज़्यादा फैलता है, इस एरिया से जो आप देख सकते हैं इसमें. नेक्स्ट चलते हैं अपन. ये कारपेट एक्सपोर्ट, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. फजोलिसिन एक तरह का एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैक्सिमम मिला है. सो इट्स समथिंग विच इज़ वर्किंग ऑन. अभी तक इस पर कुछ डिटेल आई नहीं है. श्री रमेश पांडे जी को जो है अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत. एम ट्रिप्स जो होता है वो एक्चुअली IAS में पूछा गया है. ये एक टाइगर प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था. नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स के क्विज की ओर चलते हैं अपन. इंपॉर्टेंट क्विज देखते हैं. FDI पॉलिसीज़ की अपन बात करें तो भारत में FDI जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक, जिसमें सरकार की परमिशन की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, और गवर्नमेंट राउट के अंदर आपको सरकार के डिपार्टमेंट की भी परमिशन चाहिए. प्रोहिबिटेड सेक्टर जहाँ पे नहीं कर सकते आप FDI, जैसे लॉटरी, तंबाकू, फार्म हाउस अलग होता है, और बाकी के रेजिडेंशियल हाउस अलग होते हैं, ध्यान रखना. एटॉमिक में नहीं कर सकते, रेलवे में नहीं कर सकते, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट चलते हैं FDI और FPI की मदद करते हैं. FPI क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज में ही कर सकते हैं, और जो लिस्टेड कंपनियाँ वही कर सकती हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है. जो FDI होता है वो अनलिस्टेड या लिस्टेड कंपनीज में कर सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है. रेपो रेट अगर कम होती है तो कस्टमर को फ़ायदा होता है, क्योंकि लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाती है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के हेड जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है. इसके अलावा लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जाता है. तो इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे SEBI, RBI, IRDA वगैरह के जो सेक्रेटरीज, IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है RBI के द्वारा जो रिलीज़ की जाती है, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं क्विज़ की ओर. 11 अक्टूबर के क्विज़ है, इसमें देखते हैं.
एक प्लेनेट है जिसका नाम है K2। ये एक एक्जो प्लेनेट है और ये सुपर अर्थ प्लेनेट है। सुपर अर्थ अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हैबिटेबल जोन मिला है और वाटर वेपर्स के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। सुपर अर्थ का क्या मतलब होता है? सुपर अर्थ का मतलब ऐसा कोई भी प्लेनेट जो कि पृथ्वी और नेपच्यून के बीच में आता है और जिसका मास जो है पृथ्वी के बराबर है या उस तरह का हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हैबिटेबल कंडीशन में है। इट्स समथिंग विच इज़ इट्स इसका मास बराबर है। ठीक है, बस इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हैबिटेबल। अपन इंडिया और पाकिस्तान की अपन बात करें तो थर्ड पार्टी इसमें बहुत सारे अपने समझौते हुए हैं, जैसे ये तीन समझौते आपको दे रखे हैं। तो ताशकंद जो है वो एक्चुअली उज्बेकिस्तान में है। अच्छा, विच इज़ इम्पोर्टेंट। शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल वी ऑलरेडी कवर्ड इन मेनी टाइम्स। G7 की अपन बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है और ये 1975 के अंदर आई थी और इसमें काफ़ी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। चाइना इसका मेंबर नहीं है। इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया था एज ए नॉन मेंबर, मेंबर नहीं है इंडिया, ध्यान रखना। और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ सर्टिफिकेशन, ये क्या चीज़ होती है? सर्टिफिकेशन नाम से पता चलता है कि सर्टिफिकेशन देता है फॉर दी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक तरह का क्या है, जेनेवा बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। ठीक है, तो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है एज सच। बायोटेररिज्म, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 10 अक्टूबर के MCQs, थोड़ा जो कवर नहीं किया गया था अपन ने। प्रधानमंत्री किसान योजना जो है इसमें 6,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं, इट्स नॉट लमसम। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब सारा पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कुछ लोगों को इसमें पैसा नहीं मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिपल बिलियन टारगेट, ये WHO का टारगेट है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी फेलोशिप स्कीम जो है ये आई बेंगलोर संकल्प स्कीम के तहत बनाई गई है, 21 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब युवा जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के द्वारा चलाया जाएगा ये, ताकि स्किल्स को डेवलप किया जा सके। लूनर रिकॉन्सिलियंस, ये जो ऑर्बिटर है LRO, ये न्यू विजन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब नासा के प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या चीज़ है, मेंटल हेल्थ नॉट इम्पॉर्टेंट। संकल्प स्कीम समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 50-50 कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी एंड ऑल। स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल है उसके द्वारा चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम। जेमिनी डिवाइस की हम बात करें तो जेमिनी डिवाइस जो होता है जनरली GPS एडेड जियो डिवाइसेस होती हैं। हालांकि इसमें GPS होता है लेकिन GPS के अलावा भी कुछ चीज़ें यूज होती है। इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डेवलप किया है फॉर द डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस, सो इट्स गुड फॉर इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं IPCC की हम बात करें तो IPCC जो है वो 1988 के अंदर IAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। WMO और DVNP ने मिलकर इसको बनाया था, इसके इतने मेंबर हैं और इंडिया इसके ऊपर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1936 के अंदर, अपन बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे उत्तराखंड में, ये यहाँ पे भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का संबंध जो है वो है UNFCCC से और इसको नाबार्ड जो है हमारे देश की वो नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं कुछ की ओर। नेक्स्ट है आपका पट्टी नपा पलई जो है एक्चुअली एक आपका रिटर्न चोला किंग टाइम पे संगम एक लिटरेचर है ये आपका तमिलनाडु के अंदर, तमिल पोइट के टाइम पे बात है ये। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होती है इसके अंदर कुछ मेंबर हैं कुछ मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन के, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को ये रोकता है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पॉलिसी मेकिंग बनाता है टेररिस्ट को कैसे रोकना है। ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन राउट एक्सचेंज जो है ये स्विट्जरलैंड के साथ में इंडिया ने साइन किया है, इट्स इंपॉर्टेंट। पी नोट्स क्या होते हैं? पी नोट्स को अपन पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहते हैं, जिसे अपन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे एक ऑफशोर डेरिवेटिव, मतलब विदेशों से पैसा लाने का एक तरीका है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो कंट्रीज़ होती है वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है, ओनली दोज कैन पार्टिसिपेट बिकॉज ताकि हमारे देश में काला पैसा ना आ जाए। खान कमेटी जो है वो एक्चुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से संबंध रखती है। इसको जो कमेटी जो है वो SEBI के द्वारा रेगुलेट की गई है, SEBI इसको देख रही है।
नेक्स्ट चलते हैं कुछ की ओर। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो ऑर्डिनेंस गवर्नर भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मैटर या बिल जो प्रेसिडेंट के सेंक्शन चाहिए उसके लिए उसके अंदर उस समय जो है ये गवर्नर का कोई भी पावर काम नहीं आता है। अगर प्रेसिडेंट अगर बीच में आ गए हैं तो इट्स वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। बैटन डिजीज़ जो होती है वो नर्व सिस्टम को डैमेज करती है हमारे बच्चों के, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा अजीब तरह की हरकतें हो जाती हैं उनकी। नेशनल फेलोशिप की अपन बात करें तो ये नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल द्वारा चलाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। IIM बेंगलोर के अंदर इसको चलाया जाएगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ पायलट बेसिस के ऊपर इसको काम अभी ये चल रहा है पायलट बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं सतनामी रिबेलियन की अपन बात करें तो ये औरंगज़ेब के टाइम पे हुई थी और इसके लीडर अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो। नेक्स्ट है आपका बथुकम्मा। बथुकम्मा एक फेस्टिवल होता है, तेलंगाना के अंदर होता है ये, और ये दुर्गा नवरात्रि के टाइम पे होता है। ये वूंस जो वगैरह जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, फ्लावर्स जो होते हैं सजाए वगैरह जाते हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं कुछ की ओर। हमारे देश के अंदर जो टाइगर है बेसिकली उसकी पॉपुलेशन जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं उनकी या जो प्लांट वगैरह हैं उनकी वजह से कम होती है, क्योंकि वो नॉट गुड फॉर इंडिया। सुमन स्कीम की हम बात करें तो सुमन जो है वो एक्चुअली सुरक्षित मातृत्व तो आश्वासन है ये इसमें, और इसमें प्रेग्नेंट वुमन 6 महीने जो डिलीवरी हुई है उनको सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट है ध्रुव स्कीम की हम बात करें तो ध्रुव स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सेमिनार और एक्सपर्ट्स उनसे बातें करते हैं, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक है ध्यान रखना। और इसको इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है, नॉ कि किसी मिनिस्ट्रीज के द्वारा। सो दिस इज आवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।